हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आज से मैं आर एस अग्रवाल की क्लास 8 की न्यू सीरीज मैथ की शुरू करने जा रही हूँ। चैप्टर 1 रेशनल नंबर एक्सरसाइज 1 है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस -3/5 एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर फर्स्ट है 20। देखिए हमें क्या करना है, 20 हमें क्या लाना है, डिनोमिनेटर में 20 लाना है। सबसे पहले न्यूमिरेटर मतलब ऊपर वाला, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला। देखिए 5 के टेबल में 20 कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में, इसलिए हम लोग न्यूमिरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 4 जा कितना होता है 12, 5 4 जा 20, और माइनस की साइन लगी है तो माइनस लगा देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -12/20। नेक्स्ट हमारा, हमें डिनोमिनेटर में क्या लाना है, -30। 5 के टेबल में अब देखेंगे 30 कितने टाइम्स में आता है, 6 टाइम्स में। तो हम लोग न्यूमिरेटर में और डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -6 और -6 से। क्यों, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में माइनस की साइन चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 6 3 18, और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। साइन का भी हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं, और 6 5 30, और साइन इस 5 में प्लस है और 6 में क्या है, माइनस है। तो प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा। नेक्स्ट हमको क्या है लाना है, 35। अब देखिए 5 के टेबल में 35 कितने टाइम्स में आता है, तो 7 टाइम्स में आता है। तो इसलिए हम लोग न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। 3 7 जा 21, 7 5 जा 35, ऊपर माइनस की साइन लगी है तो माइनस प्लस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस। नेक्स्ट है हमारा क्या लाना है, -40। अब हमें देखिए माइनस में लाना है, तो 5 के टेबल में 40 कितने टाइम्स में आता है, 8 टाइम्स में। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में -8 और -8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 जा 24, 8 5 जा 40। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्रेस -42/98 एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 7। अब देखिए हमें डिनोमिनेटर में 7 लाना है, तो हमें क्या करना है, कम लाना है। हमें दिया 98 है, लाना 7 है। तो इसके लिए एक तरीका होता है, आप लोग पहले डिनोमिनेटर को इससे क्या करें, डिवाइड कर ले। ये रफ वर्क मैंने करके शो किया है, 7 और 98 को जब आप क्या करेंगे, डिवाइड। तो 7 को जब मैं 98 से डिवाइड करूंगी तो आएगा 14। इसका मतलब होता है, अगर आप इन दोनों नंबर को 14 से डिवाइड करेंगे, न्यूमिरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो आपका नीचे आएगा 7, जो कि आपको लाना है। तो जब आप -42 को 14 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 3, और जब 98 को 14 से करेंगे तो आपका आएगा 7। ऊपर न्यूमिरेटर में माइनस लगा था, इसलिए आंसर में भी माइनस लग जाएगा न्यूमिरेटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस -48/60 एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 5। अब देखिए ये भी सेम आपका क्वेश्चन नंबर 2 के तरह है, 60 दिया है, आपको लाना 5 है। यानी जब आपको ज़्यादा देता है और कम लाना रहता है, तो पहले आप दोनों को क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। ये मैंने रफ वर्क शो किया है, जब आप 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका 12 आएगा। यानी आप इस नंबर को 12 से जब डिवाइड करेंगे बोथ न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जब 48 को आप 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 4, और 60 को 12 से करेंगे तो आपका आएगा 5। ऊपर न्यूमिरेटर में माइनस है, इसलिए आप आंसर में न्यूमिरेटर में माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब होता है कि उस नंबर को काट के इतना छोटा करना है कि फिर वो किसी और नंबर से ना कटे। ठीक है, तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है -12/30। अब देखिए इसके लिए आप छोटा नंबर रहता है, तो आप नॉर्मल सबको 10 या 15 तक टेबल याद होते हैं, तो ऐसा नंबर लेते हैं जिसके टेबल में 12 भी आए और जिसके टेबल में 30 भी आए। आता तो 2 में भी है, 3 में भी है, लेकिन हम वो बड़े से बड़ा नंबर लेते हैं जिसमें 12 भी आए और 30 भी आए। सॉरी, तो ऐसा बड़ा सा बड़ा नंबर क्या है, 6 है। जब आप दोनों को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30। न्यूमिरेटर में जैसे कि मैंने कहा था माइनस लगाए, तो माइनस आप लगा देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, -2/5। नेक्स्ट है आपका -14/49। ये जैसे कि देखने से ही समझ में आ रहा है, दोनों 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो दोनों को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 के टेबल में 14 2 बार में, 7 के टेबल में 49 7 बार में। ऊपर न्यूमिरेटर में माइनस है, तो आप आंसर में भी माइनस लगा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा -2/7। थर्ड है आपका -24/64। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा बड़ा नंबर है, तो इसको डिवाइड करने के लिए पहले आप क्या कर सकते हैं, पहले छोटे नंबर से कर लीजिए, फिर अगर रिमाइंडर जो बचेगा उसको फिर डिवाइड कर लेते हैं। पहले आपको पता है कि ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो पहले दोनों को 4 से कर लीजिए, तो आपका आएगा 6/-16। फिर ये फिर डिवाइड हो रहा है, तो फिर ये आपका किससे होगा, ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 6 और 16 दोनों आएगा, 2 का टेबल है। तो 2 के टेबल में 6 3 बार में, 2 के टेबल में 16 8 बार में। आपका देखिए डिनोमिनेटर में माइनस है, इसलिए आंसर में डिनोमिनेटर में माइनस लगेगा।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, -36/63। ये आपको देख के ही समझ में आ रहा है ये दोनों किससे डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा। 9 के टेबल में 36 फोर टाइम्स में, 9 के टेबल में 63 सेवन टाइम्स में। और देखिए जब डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में माइनस रहता है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, कैंसल आउट हो जाता है। ओके सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग टू रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। अब आपको दो रेशनल नंबर दिया है, दोनों रेशनल नंबर में बताना है कि कौन सा बड़ा है। तो इसको सॉल्व करने का देखिए तरीका क्या होता है। सबसे पहले क्या लिखा है, 3/8 और 0। इसके नीचे जब भी किसी के नीचे कोई भी नंबर ना दे डिनोमिनेटर में तो हम लोग क्या खुद से सपोज कर लेते हैं कि वो 1 है। अब हम लोग को क्या करना रहता है कि डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होता है क्योंकि उसको सेम करने के लिए। तो एलसीएम ऑफ जब आप 8 और 1 का एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम क्या आएगा, 8 आएगा। ओके अब देखिए 3/8 आप नंबर लिख लीजिए। अब देखिए नीचे डिनोमिनेटर वाले से देखते हैं कि एलसीएम कितनी बार में आता है, 8 के टेबल में 8 कितने टाइम्स में आता है, 1 टाइम्स में। तो आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। 3 1 जा 3, 8 1 जा 8। अब देखिए 0/1, अब देखिए 1 के टेबल में 8 कितने टाइम्स में आता है, 8 टाइम्स में। तो 0 8 जा 0 और 1 8 जा 8। अब आपका आ गया ये 0/8 और ये आ गया 3/8। अब आप दोनों, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 3/8 बड़ा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है -2/9 और 0। जैसे कि मैंने पहले ही कहा अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं दिया होता है तो 1 मान लेते हैं। फिर एलसीएम लेंगे, 9 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 9 आएगा। फिर आप ये नंबर लिख लीजिए -2/9। अब देखिए 9 के टेबल में 9 कितने टाइम्स में आता है, 1 टाइम्स में। तो आप 1 से ऊपर और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो आपका आ जाएगा -2/9। और इसी तरह सेम 0/1 को करेंगे, 1 के टेबल में 9 कितने टाइम्स में आता है, 9 टाइम्स में। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0/9। अब देखिए आपका ये आया 2/9, ये आया आपका 0/9। दोनों में से बड़ा कौन होता है, ये आया -2/9 सॉरी। तो -2 बड़ा होता है कि 0 बड़ा होता है। तो आपका कोई भी निगेटिव नंबर होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 से छोटा होता है। इसलिए आपका इस केस में क्या, 0 बड़ा है। नेक्स्ट है आपका -3/4 और 1/4। अब इसमें देखिए नीचे डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो आप ये चाहे तो एलसीएम ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। एलसीएम लेंगे तो सेम ही आएगा, 4 आएगा। तो -3/4, 4 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में आता है, 1 टाइम्स में। तो 1 से मल्टीप्लाई किए तो आया -3/4। 1/4 जब इसको आप, 4 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में आता है, 1 टाइम्स में। जब इसको आप मल्टीप्लाई किए तो आया 1/4। अब आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया तो ऊपर वाले से हम लोग बता सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा। तो -3 बड़ा है कि 1 बड़ा है। तो आपको पता है कि पॉजिटिव नंबर हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है निगेटिव नंबर से। तो 1/4 आपका बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका -5/7 और -4/7। इसमें भी देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लेने के चक्कर करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। -5/7, 7 के टेबल में 7 कितने टाइम्स में आता है, 1 बार में। तो आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -5/7। 7 के टेबल में 7 1 टाइम्स में, जब आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -4/7। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है लेकिन ऊपर न्यूमिनेटर में दोनों में माइनस लगा है, -5 और -4। तो बहुत बच्चे को ये कन्फ्यूज़न होता है, बहुत बच्चे क्या -5 वाले को ग्रेटर कर देंगे, लेकिन नहीं, ये फॉल्स है। जब भी किसी केस में दोनों में माइनस लगा होता है तो जो छोटा वाला नंबर रहता है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है। इसलिए -4 आपका ग्रेटर है -5 से। ये केस केवल निगेटिव वाले में होता है, पॉजिटिव वाले में जैसे आप करते हैं वैसे ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2/3 और 3/4। एलसीएम ले लीजिए क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एलसीएम आपका 12 आएगा। 2/3 देखिए 3 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 4 बार में। तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर को क्या करिए, 4 से मल्टीप्लाई करिए तो आपका आएगा 8/12। 4 के टेबल में 12 3 टाइम्स में, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। तो आपका आएगा 9/12। डिनोमिनेटर सेम हो गया तो आप अब बता सकते हैं 8 बड़ा है कि 9 बड़ा है। तो आपका 9 बड़ा है, यानी 9/12 बड़ा है। इसका मतलब 3/4 आपका बड़ा है। -1/2 और -1। अब देखिए जैसे मैंने पहले ही कहा था अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया रहता है तो 1 मान लेते हैं। फिर आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2/1 का एलसीएम 2 आएगा। फिर देखिए 2 के टेबल में 2 कितनी बार में आता है, 1 बार में। तो आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -1/2। 1 के टेबल में 2 आता है 2 टाइम्स में, तो आप जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2/2। डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब ऊपर वाला देखिए सेम कंडीशन है, दोनों में माइनस है। तो मैंने पहले ही बताया था जब दोनों में माइनस होता है तो जो छोटा वाला नंबर होता है वो बड़ा होता है। यानी इस केस में -1/2 आपका बड़ा है, यानी -1/2 इज ग्रेटर देन -1।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द टू रेशनल नंबर्स इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। ये भी आपका सेम क्वेश्चन है, वैसे ही जैसे आपने फिफ्थ वन किया था, -4/3 और -8/7। सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे 3 और 7 का, आएगा 21। अब देखिए 3 के टेबल में 21 कितने टाइम्स में आता है, 7 टाइम्स में। तो 7 4 का कितना होता है 28, 3 7 जा 21। इसी तरह 7 के टेबल में 21 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में। जब आप डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा -24/21। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो आप अभी मैंने बताया था जब दोनों कंडीशन में माइनस होता है तो क्या करते हैं, छोटा वाला बड़ा होता है, यानी -24/21 क्या है, बड़ा है। इसका मतलब -8/7 आपका ग्रेटर है -4/3 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/-9 और -5/8। अब देखिए इसका एक रूल और होता है, जब भी आपका डिनोमिनेटर में माइनस दिया है तो आपको उसको क्या करना रहता है, न्यूमिनेटर में कन्वर्ट करना होता है। तो जब भी डिनोमिनेटर में माइनस है तो आप उसको क्या कर दीजिए, न्यूमिनेटर के साथ कर दीजिए। तो ये हो जाएगा -7/9 और -5/8। अब सेम प्रोसेस है, 9 और 8 का एलसीएम लीजिए, 72 आएगा। 9 फिर देखिए 9 के टेबल में 72 8 टाइम्स में आता है, 8 से मल्टीप्लाई करिए। फिर 8 के टेबल में 72 9 टाइम्स में आता है, जब 9 से मल्टीप्लाई किए तो आपका आया -45/72। दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो देखिए दोनों में निगेटिव है, यानी छोटा वाला नंबर बड़ा है। इस केस में -45/72, तो इस केस में आपका -45/72, इसका मतलब -5/8 आपका बड़ा है -7/9 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3 और 4/-5। -5 है, नीचे है साइन तो ऊपर इसको कन्वर्ट कर लेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, आएगा 15। फिर वही करेंगे 3 के टेबल में 15 कितनी बार में आता है, 5 टाइम्स में। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के टेबल में 15 3 टाइम्स में, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका ये आ जाएगा -5/15 -12/15। डिनोमिनेटर सेम हो गया, दोनों में माइनस है, यानी छोटा वाला नंबर बड़ा है। इसका मतलब -5/15 इज ग्रेटर देन -12/15। इसका मतलब -1/3 आपका ग्रेटर है 4/-5 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9/-13 और 7/-12। दोनों का साइन न्यूमिनेटर में कर देंगे तो हो जाएगा -9/13 और -7/12। दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 156। 13 के टेबल में 156 12 टाइम्स में आता है, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 के टेबल में 156 13 टाइम्स में आता है, तो 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, न्यूमिनेटर में दोनों में माइनस लगा, इसलिए जो छोटा है उसको बड़ा मानते हैं। यानी ये सेकंड वंस आपका ग्रेटर है फर्स्ट वंस, यानी 7/-12 इज ग्रेटर देन 9/-13। नेक्स्ट है हमारा 4/-5 और -7/10। सेम है, न्यूमरेटर में साइन को ट्रांसफर कर देंगे, फिर 5 और 10 का एलसीएम 10 आता है, 5 के टेबल में 10 2 टाइम्स में आता है, 10 के टेबल में 10 1 टाइम्स में आता है। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -8/10, इसका करेंगे तो -7/10। दोनों में माइनस लगा, इसलिए जो छोटा वाला नंबर है वो बड़ा है, -7/10 इज ग्रेटर देन -4/5। नेक्स्ट है हमारा -12/15 और -3/1। जब नीचे कोई नंबर नहीं दिया रहता है तो 1 सपोज कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे, 5 और 1 का एलसीएम 5 आएगा। 5 के टेबल में 5 1 टाइम्स में आता है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के टेबल में 5 5 टाइम्स में आता है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर सेम हो गया, साइन में दोनों में माइनस लगा, इसलिए जो छोटा वाला है वो ग्रेटर है सेकेंड वन से। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन करेक्ट सिंबल आउट ऑफ ग्रेटर इक्वल और स्मॉलर। ये भी आपका सेम उसी तरह है, लेकिन आपको इसमें क्या करनी है, तीनों साइन यूज करनी है ग्रेटर। फर्स्ट क्वेश्चन है -3/7 और 6/-13। पहले साइन को क्या करिए, न्यूमरेटर में चेंज कर दीजिए, फिर वही प्रोसेस है, 7 और 13 का एलसीएम लीजिए, 7 के टेबल में 91 कितने टाइम्स में आता है, 13 टाइम्स में, तो 13 से मल्टीप्लाई करिए। 13 के टेबल में 91 7 टाइम्स में, तो 7 से मल्टीप्लाई करिए। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन न्यूमरेटर में दोनों में माइनस लगा, यानी जो छोटा वाला है फर्स्ट वन इज ग्रेटर देन सेकेंड वन। आपका सेकंड क्वेश्चन है 5/-13 और -35/91। पहले तो साइन को न्यूमरेटर में भेज दीजिए, फिर दोनों का एलसीएम लीजिए, तो आपका एलसीएम आएगा 91। फिर देखिए 13 के टेबल में 91 7 टाइम्स में, 91 के टेबल में 91 1 टाइम्स में। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और इन दोनों का करेंगे तो ये आएगा, यानी दोनों क्या है, इक्वल है। तो आपका क्या आएगा आंसर, इक्वल। -2 और -13/5, इसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो आप 1 मान लेंगे, एलसीएम लेंगे 1 और 5 का, तो 5 आएगा। 1 के टेबल में 5 5 टाइम्स में, तो 5 से मल्टीप्लाई। 5 के टेबल में 5 1 टाइम्स में, तो 1 से मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर में दोनों में माइनस लगा, इसलिए जो छोटा वाला है वो बड़ा, यानी -10/5 इज ग्रेटर देन -13/5। अब देखिए -2/3 और -5/-8। साइन को पहले हम अपोजिट भेज देंगे, फिर 3 और 8 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 24।
तो एलसीएम लेंगे, 3 और 8 का एलसीएम 24 आएगा, 3 के टेबल में 24 8 टाइम्स में आता है तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 के टेबल में 24 3 टाइम्स में आता है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम डिनोमिनेटर सेम हो गया, न्यूमिनेटर दोनों में माइनस है, छोटा वाला आपका क्या है बड़ा है, यानी माइनस 15 वाला आपका बड़ा है। नेक्स्ट है आपका 0 एंड 3 अपॉन 5। जब आप क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो 1 और 5 का एलसीएम 5 आएगा, 1 के टेबल में 5 5 टाइम्स में तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के टेबल में 5 1 टाइम्स में तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आ गया 0 अपॉन 5, इसका आ गया 3 अपॉन 5, दोनों पॉजिटिव में है तो 0 बड़ा होता है कि 3, सबको पता है 3 बड़ा होता है तो 3 अपॉन 5 इज ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट है हमारा माइनस 8 अपॉन 9 और माइनस 9 अपॉन 10। क्या करेंगे 9 और 10 का एलसीएम लेंगे, आएगा 90, 9 के टेबल में 90 10 टाइम्स में तो 10 से मल्टीप्लाई, 10 के टेबल में 90 9 टाइम्स में तो 9 से मल्टीप्लाई, हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया, न्यूमिनेटर क्या है माइनस 80 माइनस 81, तो जो छोटा है वो बड़ा मानेंगे, माइनस 80 अपॉन 90 क्या है बड़ा है इससे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा आपको अरेंज करना है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब मैंने पहले ही बताया डिनोमिनेटर में अगर साइन माइनस की होती है तो उसको न्यूमिनेटर में कर देते हैं, तो पहले आप क्या करेंगे अगर कहीं पे भी किसी क्वेश्चन में साइन माइनस डिनोमिनेटर में दिया है तो उसको न्यूमिनेटर में कन्वर्ट कर देंगे, जब आप कन्वर्ट कर लेंगे तो उसके बाद वही सेम प्रोसेस आप क्या करेंगे चारों का एलसीएम लेंगे, तो जब आप 9 12 18 और 3 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका आएगा 36। अब देखेंगे 9 के टेबल में 36 कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में, और 4 4 जा कितना होता है 16, तो आपका आ गया माइनस 16, इसको इससे डिवाइड करते हैं, 12 को 36 से डिवाइड करिए तो आपका कितना आएगा 3, और ऊपर वाले से न्यूमरेटर से क्या कर देते हैं उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 5 जा 15, साइन माइनस किए तो माइनस लगा देंगे, 18 के टेबल में 36 2 टाइम्स में, 2 7 जा 14 माइनस 14, 3 के टेबल में 36 12 टाइम्स में, 12 2 जा 24। अब देखिए चारों माइनस में है तो चारों को आप सेपरेट करके लिख लीजिए, माइनस 16 अपॉन 36 माइनस 15 अपॉन 36 माइनस 14 अपॉन 36 माइनस 24 अपॉन 36। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया और चारों में निगेटिव साइन है तो आपका जो क्या होगा सबसे बड़ा वाला नंबर होगा सबसे छोटा माना जाएगा, तो सबसे बड़ा आपका नंबर ये है यानी ये सबसे छोटा है, तो आप इसको सबसे पहले लिखिए, फिर इन तीनों में आपका सबसे बड़ा ये है यानी सबसे छोटा है तो इसको लिखिए, इन दोनों में आपका ये बड़ा है तो ये छोटा है तो इसको लिखिए, फिर आपका लास्ट में आएगा माइनस 14 अपॉन 36। अब देखिए इसके जगह कौन सा नंबर दिया था फोर्थ वाले पे, माइनस 2 अपॉन 3, तो आप लिख दिए माइनस 2 अपॉन 3। माइनस 16 वाले की जगह पे कौन सा नंबर दिया था 4 अपॉन माइनस 9, तो आप ये लिख दिए। 15 वाले की जगह पे कौन सा नंबर दिया था माइनस 5 अपॉन 12, ये लिख दिए। और 14 वाले की जगह पे कौन सा नंबर दिया था 7 अपॉन माइनस 18, तो आप ये लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माइनस 3 अपॉन 4, 5 अपॉन माइनस 12, माइनस 7 अपॉन 16, 9 अपॉन माइनस 24। सबसे पहले साइन को न्यूमरेटर में चेंज कर दीजिए, फिर क्या करिए 4 12 16 24 का एलसीएम लीजिए, आएगा 48। फिर वही सेम प्रोसेस है, 4 और 48 को डिवाइड करिए कितना आएगा 12 आएगा, और 12 को 3 से क्या करिए मल्टीप्लाई करिए 36। इसी तरह सेम 12 और 48 को डिवाइड करिए 3 आएगा, 4 आएगा, 4 5 जा 20। 16 और 48 को डिवाइड करिए 3 आएगा, 3 7 जा 21। 24 और 48 को डिवाइड करिए 2 आएगा, 2 9 जा 18। अब इसको सेपरेट करके लिख लीजिए, माइनस 36 अपॉन 48 माइनस 20 अपॉन 48 माइनस 21 अपॉन 48 माइनस 18 अपॉन 48। चारों में माइनस है इसलिए जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा है, यानी ये आपका सबसे छोटा है, फिर आपका ये सबसे छोटा है, फिर माइनस 20 वाला छोटा है, फिर माइनस 18 वाला छोटा है। अब ओरिजिनल नंबर इसका लिख दीजिए, इसके जगह क्या लिखा था माइनस 3 अपॉन 4, इसके जगह आपका लिखा है माइनस 7 अपॉन 16, इसके जगह आपका लिखा है 5 अपॉन माइनस 12, इसके जगह लिखा है 9 अपॉन माइनस 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 अपॉन माइनस 5, माइनस 7 अपॉन 10, माइनस 11 अपॉन 15, माइनस 13 अपॉन 20। अब क्या करिए जो भी साइन डिनोमिनेटर में उसको न्यूमिनेटर में चेंज कर दीजिए, जब आप फिर चारों का एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 60। फिर वही सेम प्रोसेस है, 5 के टेबल में 60 कितने टाइम्स में आता है 12 टाइम्स में, 12 3 जा 36, 10 के टेबल में 60 6 टाइम्स में, 6 7 जा 42, 15 के टेबल में 60 4 टाइम्स है, 4 11 जा 44, 20 के टेबल में 60 3 टाइम्स है, 3 13 जा 39। सेम अब इसको सेपरेट करके आप लिख लीजिए, फिर देखिए जो सब चारों में माइनस है इसलिए जो सबसे बड़ा है आपका ये वाला सबसे छोटा, फिर ये वाला आपका, फिर आपका ये वाला, और फिर आपका ये वाला। अब इसके जगह ओरिजिनल नंबर लिख दीजिए, इसके जगह कौन सा नंबर था माइनस 11 अपॉन 15, इसके जगह कौन सा नंबर था आपका माइनस 7 अपॉन 10, इसके जगह आपका कौन सा था माइनस 13 अपॉन 20, और इसके जगह क्या था 3 अपॉन माइनस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन को आप क्या करेंगे न्यूमरेटर में चेंज करेंगे, फिर वही सेम प्रोसेस है, 7 14 28 42 का एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 84। सेम करेंगे 7 के टेबल में 84 कितने टाइम्स में आता है 12 टाइम्स में, 12 4 जा 48, 14 के टेबल में 84
आता है डिवाइड करिए, फिर जो आएगा उसको 9 से मल्टीप्लाई, 28 को 84 से डिवाइड करिए, जो आएगा उसको 13 से मल्टीप्लाई, 42 को 84 से डिवाइड करिए, जो आएगा उसको 23 से मल्टीप्लाई। फिर आप इसको सेपरेट करके लिख लीजिए, फिर वही है, चारों में निगेटिव साइन है, तो जो आपका सबसे बड़ा यानी ये वाला सबसे छोटा माना जाएगा, फिर ये वाला, फिर आपका -46 वाला, फिर आपका -39 वाला, फिर आप इसके जगह वाला ओरिजिनल नंबर लिख दीजिए। ये सेकंड नंबर पे लिखा है -54/84, तो ये सेकंड नंबर पे आपका क्या है -9/14, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा पहला -9/14। -48/84 आपका किस नंबर पे लिखा है, फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे आपका कौन सा वैल्यू है -4/7, थर्ड पे आया है आपका -23/42, फोर्थ पे आपका -13/-28। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि बड़े से छोटा आपको अरेंज करना है, सेम जैसे आप असेंडिंग ऑर्डर किए वैसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर भी है। सबसे पहले अगर नीचे माइनस है डिनोमिनेटर में, तो उसको क्या करिए, न्यूमिनेटर में कन्वर्ट कर दीजिए, फिर 1639 का आप एलसीएम लीजिए, तो आपका एलसीएम आएगा, सॉरी ये 3 है 9 नहीं है, तो आपका एलसीएम आएगा 6। तो फिर वही देखिए, इन दोनों को डिवाइड करिए, 106 को, जो आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई, 6 और 6 को डिवाइड करिए, जो आएगा उसको 13 से मल्टीप्लाई। तो फिर आप इसको सेपरेट करके लिख लीजिए, सेपरेट में इसमें भी वही है, देखिए अब इसमें 3 में माइनस है लेकिन एक क्या है पॉजिटिव है, तो यानी आपका क्या है, आपको क्या लिखना है, बड़े से छोटा लिखना है। तो पॉजिटिव वाला नंबर हमेशा निगेटिव वाले से बड़ा होता है, यानी 2 by 6 आपका हमेशा बड़ा होगा। अब ये तीनों निगेटिव है, निगेटिव में मैंने बता दिया कि जो सबसे छोटा नंबर होता है वो उसको बड़ा मानते हैं, तो ये बड़ा है, फिर इन दोनों में ये छोटा है तो इसको बड़ा मानेंगे, फिर ये, अब इसका ओरिजिनल नंबर लिख दीजिए। फोर्थ पे लिखा है तो फोर्थ पे आपका क्या है 1/3, ये किस पे लिखा है फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट पे आपका ये है, फिर -13/6, फिर 8/-3। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सारे साइन को आप न्यूमिनेटर में चेंज कर देंगे, फिर आप 10, 15, 20, 30 का एलसीएम जब लेंगे तो आपका आएगा 60, फिर 10 और 60 को डिवाइड करिए, जो आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई, 15, 60 को डिवाइड करिए, जो आएगा उसको 7 से मल्टीप्लाई। फिर आप इसको क्या करिए, सेपरेट कर करके लिख लीजिए, तो आप इसको सेपरेट कर करके लिख लेंगे, फिर क्या है, चारों में निगेटिव है, तो वही जो सबसे छोटा रहेगा उसको सबसे बड़ा मानेंगे, फिर इन तीनों में सबसे छोटा ये है, फिर ये है, फिर ये है, इसका जो ओरिजिनल नंबर है ये फर्स्ट पे लिखा है, फर्स्ट पे ये है, ये सेकंड पे लिखा है, सेकंड पे ये है, थर्ड पे ये है, फोर्थ पे ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, -5/6, -7/12, -13/18, 23/24, पहले डिनोमिनेटर वाले साइन को न्यूमिनेटर में कर लेंगे, फिर चारों का 6, 12, 18, 24 का एलसीएम। तो जब आप 6, 12, 18, 24 का एलसीएम लेंगे तो जो एलसीएम आएगा 72, फिर वही सेम प्रोसेस है, 6 और 72 को डिवाइड करें, जो आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई, 12, 72 को डिवाइड, जो आएगा 7 से मल्टीप्लाई, 18, 72 को डिवाइड, जो आएगा उसको -13 से मल्टीप्लाई, 24, 72 को डिवाइड, जो आएगा उसको 23 से मल्टीप्लाई। फिर आप इसको सेपरेट कर करके लिख लीजिए, फिर चारों में देखिए नेगेटिव साइन है, तो यानी जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा माना जाएगा, फिर इन तीनों में सबसे छोटा ये है, फिर इन दोनों में ये है, फिर इन दोनों में ये है, फिर इसकी ओरिजिनल वैल्यू, ये सेकंड नंबर पे लिखा है तो सेकंड पे जो लिखा है वो लिख देंगे, ये थर्ड पे लिखा है तो ये थर्ड पे जो लिखा है वो लिख देंगे, फिर ये 60 वाला फर्स्ट पे लिखा है तो फर्स्ट पे जो लिखा है वो लिख देंगे, फिर ये लास्ट। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फिर क्या करेंगे आप, वही सेम प्रोसेस है, 11, 22, 33, 44 चारों का आप एलसीएम लेंगे तो आएगा 132, फिर इन दोनों को 11 और 132 को डिवाइड, जो आएगा 10 से मल्टीप्लाई, 22, 132 को डिवाइड, जो आएगा 19 से मल्टीप्लाई, 33 और 132 को डिवाइड, जो आएगा 23 से मल्टीप्लाई, 44 और 132 को डिवाइड, जो आएगा 39 से मल्टीप्लाई। फिर चारों को आप सेपरेट कर करके लिख लीजिए, देखिए चारों में निगेटिव साइन है, तो जो आपका सबसे छोटा रहेगा वो सबसे बड़ा माना जाएगा, इसका मतलब 92 वाला सबसे बड़ा है, फिर आपका 114 वाला बड़ा है, फिर 117 वाला बड़ा है, फिर 120 वाला बड़ा है। 92 थर्ड नंबर पे लिखा है, यानी थर्ड नंबर वाला सबसे पहले लिखा आएगा, 114 सेकंड नंबर पे है तो सेकंड वाला आपका लिखा आएगा, 117 वाला आपका लास्ट नंबर पे है तो लास्ट वाला लिखा आएगा, 120 आपका फर्स्ट नंबर पे है तो फर्स्ट वाला लिखा आएगा। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 10, राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, इसका आंसर क्या है, ट्रू है, क्योंकि हमारा होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से लेके सारा नंबर हमारा होल नंबर होता है और सारा नंबर हमारा रेशनल नंबर भी होता है, इसलिए आंसर क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट है, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, सारे इंटीजर्स में सारे नंबर इंक्लूड होते हैं, रेशनल नंबर में भी सारे नंबर इंक्लूड होते हैं, इसलिए सारा इंटीजर जो होता है वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव इट इज़ अ रेशनल नंबर, इट इज़ ट्रू। 0 इज अ होल नंबर बट इट इज़ नॉट अ रेशनल नंबर, 0 होल नंबर तो है लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं है, ये गलत है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि सारा होल नंबर रेशनल नंबर होता है, इसलिए 0 भी होल नंबर है और ये रेशनल नंबर भी है।
तो हमारा ये एक्सरसाइज यहीं पे एंड होता है, और मैं आपसे कहना चाहूँगी प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक, और जल्दी मैं अपना दूसरा वीडियो लेके आऊँगी। थैंक यू।